नमस्कार, एस्ट्रो बेसिक में आपका स्वागत है। मैं जयंत कुमार वत्स, आपका होस्ट एस्ट्रो बेसिक चैनल से। नेम नंबर या कंपाउंड नंबर, जब हम लोग अपने नेम को, फुल नेम को, जब हम लोग सारे अल्फ़ाबेट्स को जोड़ते हैं तो उससे जो वैल्यू आता है विदाउट रिडक्शन, उसे हम लोग नेम नंबर, कंपाउंड नंबर, कंपाउंड नेम नंबर बेसिकली कहते हैं। चैलेडियन सिस्टम में कंपाउंड नंबर का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि सिंगल डिजिट में जो नंबर होते हैं वो, किसी का सपोज एक आता है तो एक हो सकता है 10 से भी आए, 19 से भी आए, 28 से भी आए, 46 से भी आए, तो किसी भी मेथड से आ सकता है। लेकिन ये कंपाउंड नंबर जो है, ये 10, 19, 28, 46 ऐसे का 55, ये सबका अपना अलग महत्व है और लोगों के लाइफ और उसके लाइफ में जो इवेंट्स होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। तो इस सीरीज में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ईच कंपाउंड नंबर के बारे में। तो आप जानेंगे कि प्रत्येक कंपाउंड नंबर का क्या मतलब होता है और उनके लाइफ में किस तरह के इवेंट्स होंगे। इससे पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बिलो और स्मॉल यूट्यूब टाइनी आइकन और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर आप लोग न्यूमरोलॉजिस्ट हैं तो आपको मेरा सॉफ्टवेयर जरूर ट्राई करना चाहिए। ये वन ऑफ द लीडिंग न्यूमरोलॉजी सॉफ्टवेयर है मार्केट में और ये फ्री है। लिंक नीचे डिस्प्ले हो रहा होगा। अगर आप लोग न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो आपको मेरा एस्ट्रो स्कूल जरूर ट्राई करना चाहिए। वहाँ पे बहुत सारे कोर्स जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, पर्टिकुलरली लोशु ग्रिड के कोर्स फ्री हैं, बेसिक न्यूमरोलॉजी के कोर्स फ्री हैं, जॉडियक साइन जो है उससे रिलेटेड कोर्स फ्री हैं, बहुत सारे केस स्टडीज़ जो फ्री हैं और बहुत सारे पेड कोर्सेज भी हैं। तो एस्ट्रो स्कूल ज्वाइन कीजिए, रजिस्ट्रेशन कम्प्लीटली फ्री है और आप फ्री का कोर्स भी एक्सेस कर सकते हैं। एस्ट्रो बेसिक के सारे कोर्सेस मैं उधर ही रखता हूँ। तो आइए देखते हैं कि कंपाउंड नेम नंबर कैसे कैलकुलेट होता है इस एग्जांपल से। तो इन दिस एग्जांपल हम लोग देखेंगे कि नेम नंबर, कंपाउंड नंबर जो है कैसे कैलकुलेट करते हैं चैलेडियन अल्फ़ाबेट के अनुसार। तो ये चैलेडियन अल्फ़ाबेट का वैल्यू है, जैसे आप लोग जानते हैं कि ये जो नंबर्स हैं AIJQY, इसका वैल्यू 1 होता है, BKR का 2 होता है, CGLS का 3 होता है, लाइक दैट PF 8 होता है। 9 के लिए हम लोगों के पास कोई अल्फाबेट नहीं है। तो अगर हम लोग नेम नंबर कैलकुलेट करते हैं जयंत कुमार वत्सा के लिए, तो जयंत का नाम डालिए, अगर सारे वैल्यू को प्लेस करते हैं, J के लिए 1, A के लिए 1, Y के लिए 1, A के लिए 1, N के लिए 5, T के लिए 4, तो यहाँ वाले चार्ट से तो टोटल 13 आता है। तो कुमार के लिए उसी तरह 15 आता है, वत्सा के लिए उसी तरह 18 आता है। जब आप टोटल करते हैं तो ये 46 आता है। तो हमारा जो नेम नंबर है वो 46 है और सिंगल डिजिट में वो 1 कहलाता है। तो हम इसी 46 को हम लोग कंपाउंड नेम नंबर कहते हैं और सिंगल डिजिट में उसको हम लोग 1 कहते हैं। तो क्विकली देखते हैं, अगर आप मेरे सॉफ्टवेयर पे जाते हैं cosmic.astrobasic.com पे, तो न्यूमरोलॉजी सॉफ्टवेयर के अंदर जो है, जब आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ डालते हैं तो अंडर चैलेडियन टैब आपका, जहाँ पे सारे नंबर्स के बारे में दिया गया है यहाँ पे, तो इस जगह पे कंपाउंड नंबर 46 पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इसके बारे में दिखाया जाता है। डिस्क्राइब यू एज ए क्राउन्ड हेड, इट मींस दैट यू कैन अचीव क्राउन विद इफेक्टिव यूज ऑफ इंटेलिजेंस प्रूडेंस। तो ये आपको इसके बारे में डिटेल्स जो है यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप यहां से भी जान सकते हैं अगर आप लोग मेरा न्यूमरोलॉजी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो। इसके अलावा भी सारे नंबर्स के बारे में डिटेल्स दिए हुए हैं, भाग्यांक, मूलांक, नेम नंबर एक, तो एक का फिर क्या मतलब है, तो यहां पर आपको सारे डिटेल्स जो है मिल जाएंगे। नेम नंबर 14, टोटल अगर आप करते हैं 1+4 तो 5 आता है। 2 पाइथागोरियन में 14 भी कार्मिक टेप नंबर होता है, लेकिन ये उतना बुरा नहीं है कंपेयर टू 13। तो इमोशनल एरिया में ये चैलेंज क्रिएट कर सकता है, थोड़ा फोकस करने में दिक्कत कर सकता है, बट जब ये बिजनेस की बारी आती है तो नेम नंबर 14 जो है बहुत ही लकी साबित होता है और ये बहुत ज़्यादा जो है ट्रेडिंग में, बिजनेस में सक्सेस देता है। ऐसे अगर आपका नेम नंबर 14 है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप बहुत सारे लोगों से घिरे रहते होंगे और आप बिजनेस में एक अच्छा सक्सेस पा सकते हैं, या फिर कम्युनिकेशन और जो भी नंबर 5 की एनर्जी है, जो डिफरेंट एक्सपीरियंस लेना है, मल्टीपल सब्जेक्ट का नॉलेज लेना है, ट्रैवल करना है, हमेशा नया एक्सपीरियंस, नया फूड ट्राई करो, नया ये चीज़ करो, नए लोगों से मिलो, ये पूरी तरह से नंबर 14 में पाया जाता है। अगर आपका नाम
14 पे आता है, 14 पे आता है, तो अगर आप बिजनेस करते हैं तो कोशिश कीजिए उस बिजनेस का जो प्रोडक्ट नेम है वो भी 14 पे या फिर 5 पे आए। अगर ऐसा करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलता है और आप जो है बहुत ज़्यादा जो है राइज करते हैं उसमें। ये आपको अगर ऐसा होता है तो पब्लिक सपोर्ट आपको बहुत मिलेगा और बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी और बिजनेस में ग्रोथ देगा। नेम नंबर 14 जो है इसमें कहीं ना कहीं एक इमोशनल इम्बैलेंस रहता है, तो लोग जो डिसीज़न मेकिंग वाला जो चीज़ है ये इनका थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। ये बहुत जल्दी में डिसीज़न लेते हैं और ज़्यादातर जो है गलत डिसीज़न ले लेते हैं, क्योंकि क्विकली डिसीज़न लेते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। ऐसे लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि अपने दोस्त को थोड़ा सा केयरफुल रहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके जो दोस्त हों वो ट्रस्टवर्दी ना हो और आपको धोखा मिले। और दोस्त का संगति अगर एज ए पेरेंट्स देख रहे हैं या सेल्फ भी देख रहे हैं तो ऐसे लोगों को दोस्त के संगति का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। पाइथागोरियन में 14 नंबर वाले जो होते हैं बहुत सब लोग ड्रग्स लेना स्टार्ट कर देते हैं बिकॉज ऑफ बैड संगति या फिर इमोशनल जो है इम्बैलेंस। जब मैं इमोशनल इम्बैलेंस कहता हूँ तो दिमाग नंबर 5 में दिमाग वाला जो चीज़ है वो बहुत वर्क होता है, और 14 के कारण जो है इमोशन जो है वो हावी होता है, तो ये दोनों में सिंक नहीं बैठता, जिसके कारण जो है माइंड और हार्ट के बीच में इम्बैलेंस होते रहता है। उस समझ में नहीं आता ये सही है या ये सही है और डिसीजन जो है सही से नहीं ले पाते। इसके अलावा अगर आप 14 हैं तो आपको डेफिनेटली ट्रैवल पसंद है, आप फ्रिक्वेंटली ट्रैवल भी करते हैं, लेकिन अगर आप ड्राइव करते हैं तो प्लीज़ रैश ड्राइव मत कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एक्सीडेंट होने का। नंबर 14 में एक्सीडेंट के भी कॉम्बिनेशंस होते हैं, और आग, लाइटनिंग, ये सब जो नेचुरल डिज़ास्टर होता है, पानी, बाढ़, ये सब से भी थोड़ा सा बच करके रहना है। मतलब नेचुरल डिज़ास्टर वाला चीज़ भी बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर। बिजनेस पैसे को देखा जाए तो डेफिनेटली अच्छा है। जब आप शादी कर रहे हो तो कोशिश कीजिए अच्छे से सभी लोगों से पूछ के कीजिए, क्योंकि आप जल्दीबाजी में डिसीजन लेते हैं और बाद में हो सकता है आपको पछताना रहे। बट अदरवाइज ये नंबर लकी नंबर है, सक्सेस का नंबर है, ये राइज कराएगा आपको लाइफ में। बस अपने डिसीजन मेकिंग वाले पार्ट को और इमोशनल वाला जो पार्ट है जहाँ पे कभी कभी डिप्रेशन या ड्रग्स या वो सब साइड पे वॉच कीजिए, अदरवाइज ये नंबर बहुत ही अच्छा है और आप रख भी सकते हैं। तो ये था मेरा एनालिसिस कंपाउंड नेम नंबर के बारे में। अगर आप इस नंबर के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आपको मैं हाईली सजेस्ट करूँगा कि आप मेरा लाइफ पाथ नंबर का वीडियो ज़रूर देखें। इस या तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, या फिर बेस्टर है कि आप आई आइकन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बिलो और स्मॉल यूट्यूब टाइनी आइकन, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो सेंड मी ईमेल jayantkumar@astrobasic.com पे। अगर आप एस्ट्रोलॉजी कंसल्टिंग कराना चाहते हैं, नेम एनालिसिस कराना चाहते हैं, तो आप मुझे ईमेल कीजिए jayantkumar@astrobasic.com पे, या फिर आप मेरे वेबसाइट जाइए astrobasic.com आस्क क्वेश्चन सेक्शन पे। अगर आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं तो आपको मेरा सॉफ्टवेयर ज़रूर ट्राई करना चाहिए, वन ऑफ द लीडिंग सॉफ्टवेयर है मार्केट का। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं तो आप एस्ट्रो स्कूल ज्वाइन कीजिए। आप मुझसे सोशल मीडिया फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। मैं आजकल वो छोटे छोटे रील्स बना करके इंस्टाग्राम पे देता हूँ, जिसमें मैं अलग अलग टिप्स और अलग अलग सजेशन, रेमेडीज़ और बहुत सारे न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड अपडेट्स जो है उधर ही डालता हूँ, तो आप लोग प्लीज़ वहाँ पे भी मुझसे जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू, स्टे ट्यून, सी यू नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार।